जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का साइकोलॉजी के अंदर हम एक नया टॉपिक ऐड करने वाले हैं जो है गैस्टॉट स्कूल ऑफ थॉट। इससे पहले हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी को भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो kindly वो कमेंट कर सकता है, हम विद इन टाइम उसको रिप्लाई कर देंगे। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग जिन बंदों का जिक्र करेंगे वो बेसिकली वो तीन लोग हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रॉल मकबूल फिक्र बना कब से और इसने इसके बनाने वाले कौन लोग थे उनके बारे में। 1911 के अंदर तीन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उनमें से मैक्स होदामर, कर्ट कोफ्का और वुल्फ गैंग कोलर ने इस मकतब फिक्र की बुनियाद रखी थी। अब इन तीन बंदों का बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो हम लोग वन बाय वन करके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनको डिस्कस करते जाएंगे। गैस्ट्रॉल मकतब फिक्र ने ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्किंग की है वो बेसिकली परसेप्शन के ऊपर की है, अदराक के ऊपर की है, ठीक है, जिसमें इसके अलावा इन्होंने थिंकिंग के ऊपर भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है और मेमोरी के ऊपर भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। इसके इनका बेसिकली जो मेन पॉइंट ऑफ जो थीम है इनका गैस्ट्रॉल मकतब फिक्र, उनका कहना यह है कि जो इंसान का अदराकी निज़ाम है, जो परसेप्शन सिस्टम है, जिसको यूज़ करते हुए इंसान किसी चीज़ को परसीव करता है, समझने की कोशिश करता है, वो बेसिकली क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज जो मेंटल एबिलिटी है उसको वो शो ऑफ कर रहा होता है। अब इनका जो मेन जो थीम है उसके अंदर वो कहते हैं टोटल, कुल, मुकम्मल चीज़। अब देखिए एक सिंपल सी है कि जब जो ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती होती है उनका एक चीज़ डिफरेंट होती है। सिंपल अगर मैं आपको आपके घर के अंदर किचन की एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप एक सब्ज़ी बनाते हैं सब्ज़ी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, कोई भी कुकिंग कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। अब होता क्या है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्ज़ी बनाने लगे उसके अंदर आपने प्याज जितना भी मसाला या मिर्चें टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड अप करना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सब्ज़ी को अलग से टेस्ट करें, टमाटर को अलग से और प्याज को अलग से, इवन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सबको अलग अलग टेस्ट करें, तो डेफ़िनेटली आपको हर चीज़ का क्या टेस्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन जब एंड पे जब आपकी सब्ज़ी कुक हो जाती है, जब आपका सालन बन जाता है, तो उसके ऊपर आपको वो चीज़ क्या होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ से ये इसका मेन थीम है, आप इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, वो कहते हैं कि कुल जो चीज़ होती है वो अपने मजमुए से बड़ा होता है, मतलब होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अगर छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड किया जाए तो जो होल होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लगता है। इनका बेसिकली कहना ये है कि लोग अपने परसेप्शन के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रियात से देखते हैं और अपने समझ के लिहाज से उन चीज़ों को डिवाइड करके फिर उनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इसने लॉ ऑफ प्रेगनेंस कहा था। नेक्स्ट में इस जो ये जो रूल जो जिन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि जो ग्रुप्स होते हैं या जो पार्ट्स होते हैं उसको अदराक में हम लोग एज अ टोटल यूज़ किया करते हैं। मसलन कहने का मतलब कि हम इंडिविजुअल चीज़ों को हम नहीं इसमें कंसिडर करते बल्कि टोटल को करते हैं। मसलन ये कि आज हम लोग एक चीज़ का एक न्यूली एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस को भी हम अपने पास्ट में पास्ट के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उसी के बेस पर उसको देखते हैं, ठीक है, और इसी वजह से हम एक जैसी अशिया के दरमियान फ़र्क भी करने लग जाते हैं जो अगर हमने उससे पहले हमने चीज़ों देखी हो। नेक्स्ट में क्या है कि ये जो हमने इससे पहले जो पढ़ा है हमने स्कूल ऑफ थॉट्स, ये उसके अंदर जितनी क्रिटिसिज्म थी या जितनी उसके अंदर वो लिमिटेशंस थी उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये तैयार किया था गैस्ट्रॉल के अंदर। क्योंकि किरदारियत के अंदर जो बिहेवियरिज्म के अंदर हम लोग पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम होल को डिस्कस करें, टोटल को। चले अब जो तीन बंदों का नाम लिया था, सबसे पहले वर्धहाइमर, उनका कहना है कि जब आप किसी भी ऐसे प्रोसेस के अंदर गुजरते हैं जिसके अंदर आप परसेप्शन करते हैं होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मुशाहिदा होता है वो हमेशा उस इन्वायरमेंट के हवाले से कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल स्टडी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है। मसलन ये कहने का, कोई आपके सामने हर चीज़ के देखने का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मसलन ये कि जो आदमी कर रहा है उसे पता है वो क्या कर रहा होता है। हम लोग जो इन्वायरमेंट के लिहाज से उस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि वो किस वजह से ऐसा कर रहा है, तभी हम उस चीज़ को एक्चुअली में समझ सकते हैं। इसके अंदर किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, सबसे पहले जो स्टिमुलस होते हैं उसकी नेचर क्या है, उसके बाद इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर्स कौन से हैं और इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, इन सब को मुकम्मल तौर पर जानने के बाद हम इस चीज़ के फाइनल अप कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर दो बेसिकल इसको समझाने के लिए दो मेन पॉइंट का डिस्कस किया, एक फाइव फिनोमेना, ठीक है, और दूसरा अपेरेंट मूवमेंट होती है। फाइव फिनोमेना के बारे में क्या देता, अगर आपने देखा होगा शादी ब्याह के ऊपर जब लाइट्स बनाए होते हैं उसको हम जिसको जुगनू लाइट्स कहते हैं, वो इस
वो आपको पता है वो जो लड़ियाँ होती हैं या जो एक एक पॉइंट्स होता है उनका, वो लटक रही होती हैं बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन समटाइम उनको इस लिहाज से हम उसको मूवमेंट करते हैं, वो ऐसा फील होता है जैसे वो या तो वेव कर रही हैं या उछल कूद रही हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं फायर फिनोमेना कहते हैं। उसके अंदर क्या है कि उसके बाद कोलर आ जाता है। कोलर ने ज़्यादातर जानवरों पर तजर्बे किए और उसने फाइनली ये डिसीजन दिया या ये वर्डिक्ट उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जो फाइंडिंग्स उसे मिली, उसका कहना ये है कि जो जानवर होते हैं वो भी किसी ना किसी असूलों के तहत अपने आप को इस काबिल बनाते हैं, चीज़ों के इन्वायरमेंट के काबिल बनाते हैं या लर्निंग कर रहे होते हैं। अब इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन माहरीन के ऊपर जिन्होंने बोला कि जानवर जो होते हैं वो सही और ख़ता, सही का मतलब तो कोशिश, ख़ता का मतलब गलत, मतलब गलतियों से सीखने वाला, उसको सही और ख़ता कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे परसेप्शन वाले टॉपिक के अंदर, ये लर्निंग टॉपिक के अंदर भी ये डिटेल में आएगा। उसका मज़ीद कहना ये था कि जानवर के सामने अगर मुकम्मल सूरत हाल का उसे इलम हो जाए, ठीक है, और उसका कुली तौर पर वो इदराक भी कर सके, तो क्या इस्तेमाल करता है, अपनी बसीरत अक्ल को इस्तेमाल करता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, गेस्ट और मारिन ने हमेशा किस चीज़ को डिस्कस किया है, टोटल को डिस्कस किया है और उसके अज्जा के मतलब उन्होंने जितने भी थ्योरीज थी उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। इसके अलावा दीगर कई माहरीन भी इस नज़रिए से मुत्तफिक थे कि कुल अपने अज्जा से मुख्तलिफ होता है। कुल की जो खसूसियात, जैसे मैंने आपको अभी कुकिंग वाली एग्जाम्पल दी, डेफिनेटली आपको कभी इंडिविजुअली आपको समझ में आ जाएगी बात कि जब आप इंडिविजुअली हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो उनका टेस्ट कुछ और होता है और जो फाइनल जो आउटपुट बन जाती है, सालन वगैरह बन जाता है, उसका टेस्ट कुछ और होता है। अब इधर भी एग्जाम्पल दी है कि सात जो सुर हैं, सात जो बेसिक्स जो सुर हैं, ठीक है, उनको जितनी दफ़ा भी आप डिफरेंट तरतीब से बजाएंगे, एक नई आपको धुन मिलेगी, ठीक है, एक नई चीज़ आपको मिलेगी। वह दरअसल ने गैस्ट्रॉल के कवानी मुतारफ़ किया जिसमें सबसे पहले असूल कुरब, ठीक है, असूल मुशाबहत, सुन तकमील, ये सारे आप पढ़ेंगे, इसके अलावा इधर ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने, ये परसेप्शन वाले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो मकबा है फिक्र, अब कोलर ने, कोलर के आपने जब इसका जो टॉपिक आएगा तब इसके अंदर लर्निंग के अंदर आपने इसके अंदर पढ़ना है बंदरों और चिंपैंजी पर तजर्बा किए, ठीक है, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी होगा उस पर इसने तजर्बा किया, ठीक है, उन्होंने अपने तजर्बे के अंदर बिल्ली कुत्ते ये कबूतर वगैरह, उन्होंने जो किरदारी माहरीन थे उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर तजर्बे किए थे। ये मकबा फ़िक्र वकूफ़ी नफ्सियात की बुनियाद, जबकि इंसानी पसंद मकबा फ़िक्र में भी इनके अफकार की जलम मिलती है। इस मकबा फ़िक्र ने साख्तियत और किरदारियत का सहर भी तोड़ा था, मतलब ये कि जो 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 लोग मानने वाले थे साख्तियत सर्टिज्म और बिहेवियरिज्म को, उन सब को इन्होंने वाइप ऑफ कर दिया था। थैंक यू सो मच, आज के लिए यही, अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।